हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज है वीकली जो संडे कमेंट बॉक्स है, आज उसका दिन है। इस दिन में आप लोगों के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मैं लेकर आती हूँ। तो आज ये मेरा थर्ड है और मैं आज आप लोगों को साथ ये कुछ 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 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और ज़्यादातर जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो थायराइड को लेकर ही होते हैं, क्योंकि जो मेरे थायराइड के वीडियोस हैं वही आप लोगों ने इतने पसंद किए हैं, इतना प्यार किया है वीडियोस को, और उसी के ऊपर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आप लोगों को दूंगी। तो फिर वीकली ही रहता है ये, तो मैं जितने भी कलेक्ट कर पाती हूँ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मतलब एक ने और बहुत सारे लोगों ने वही क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो मैं उनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेती हूँ। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस छूट जाते हैं प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, और जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूँगी उनमें कहीं ना कहीं आपको आपके क्वेश्चन का ही आंसर मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मुझसे पूछा है श्रीमा स्मितेश, इनको जो है हॉशिमोटो थायराइडिटिस है और इनका जो वेट है वो 87 है और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है। और उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हेल्पफुल है। बिल्कुल, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें 16 और 8 का जो है 8 घंटे का विंडो जो होता है वो खुलता है और ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ये वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा है और ये बहुत सारी बीमारियों से बाहर निकालने का काम करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसमें जो ये 16 घंटे जो होते हैं इसमें आप ऐसे मोड पर चले जाते हैं जिसमें आपको आपकी जो बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब भी आप इस फास्टिंग को खोलते हैं तो हमेशा फ्रूट से ही खोलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, उससे आप खोलिए। और जो विंडो है आपकी, जो 8 आवर्स की विंडो होती है, उसके अंदर भी आप हेल्दी फूड ही खाने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि ये तो 8 घंटे की विंडो है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। आप हेल्दी फूड खाने की ही कोशिश कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा डेफिनेटली। इसके बाद एक नंबर से इन्होंने करा है 1141240, इनकी एज 28 है और T3 T4 नॉर्मल है और TSH जो है वो 6.94 है। तो ये जो है जितने भी 10 से बिलो होते हैं, TSH जितना भी 10 से बिलो है ये माइल्ड हाइपोथायराइड होता है। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका थायराइड 10 से बिलो है आप मेडिसिन की बजाय उसको नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए। आप अच्छे मल्टीविटामिन्स को जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कई बार मल्टीविटामिन की ही डेफिशिएंसी के कारण आपका TSH जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जिनका थायराइड जो है वो 10 से कम है वो लोग जो है मल्टीविटामिन को ऐड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करें, और जब भी आप खाएं हेल्दी फूड ही खाएं और अपनी बॉडी को रेगुलर डिटॉक्सिफाई करते रहे, तो उससे आपका जो ये TSH हार्मोन है ये काफ़ी हद तक डाउन होने लगेगा। और अगर ये ना हो या फिर बढ़ता ही जाए तब आप इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वरना आप जितने मेरे वीडियोस देखे उसमें मैंने जो टेस्ट आप लोगों को बताए हैं, RT3 टेस्ट है और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है, आयोडीन वगैरह की, इन सब चीज़ों का आप एक बार टेस्ट करवाइए तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद योगिनी राव, इन्होंने लिखा है TSH 50 है, फीलिंग टायर्ड। बिल्कुल, आपका TSH 50 हो गया है तो आपके अंदर शरीर के अंदर जो है लेथार्जिकनेस तो आएगी ही। इसका सबसे अच्छा है अगर आपके शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा लेथार्जिकनेस आ गई, सबसे पहले आप वीडियोस को देखिए, उनके टेस्ट जो होते हैं एग्जैक्टली T3 T4 और TSH की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ और भी टेस्ट होते हैं जिनका जो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उन टेस्ट को करवाइए। अगर आप नहीं करवा सकते हैं उन टेस्ट को तो सबसे पहले आप अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन लीजिए और ग्लूटेन और डेयरी, ये दो चीज़ों को स्किप कीजिए, एक हफ्ता करके देखिए, आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। उसके बाद आप मुझे अप्लाई करके बताना कि आपको फर्क पड़ा कि नहीं। फिर विंती जेठरा, इन्होंने लिखा है थायराइड हेयर लॉस और TSH नॉर्मल है। अगर आपका थायराइड हेयर लॉस है ना और आपका TSH नॉर्मल है तो आपने ये नहीं बताया कि आप मेडिसिन खा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मेडिसिन खाने से आपका TSH लेवल जो होता है वो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन थायराइड का जो हेयर लॉस होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये आपका करी पत्ता और गुड़हल के फूल, कलौंजी, प्याज, इन सब चीज़ों को पीसकर अगर आप इसके सर में मालिश करते हैं इसके पानी से तो आपकी जो ग्रोथ है वो होने लगेगी और बाल भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बालों के लिए। और आयरन की जो टैबलेट्स हैं अगर आप ले सकते हैं सप्लीमेंट वगैरह, आयरन रिच फूड अगर आप लेते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। फिर पूछा है इफ़ात नजीम, इनको गोइटर, इन्होंने पूछा है गोइटर ठीक हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से। अगर आपको पता है कि आपको गोइटर की प्रॉब्लम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोइटर जो होता है हमेशा
आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो अगर आपके शरीर के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आप सबसे पहले आयोडीन रिच फूड खाना शुरू कीजिए। आपको ऐसे बहुत सारे गूगल पे पता चल जाएंगे कि आयोडीन रिच फूड कौन कौन से होते हैं, उसको आप खाना शुरू कीजिए। आप किसी अच्छे सेंटर, योगा सेंटर पे जाके जो पेड हो वहाँ पर आप जाके योगासन वगैरह जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं थायराइड के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। तो ये जो अगर गोइटर की प्रॉब्लम होती है तो मेडिसिन जो होती है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसका है कि होम्योपैथिक जो है ये मेडिसिन थायराइड की सबसे असरदार दवा है। ये मैंने इस तरह से वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देखिए और उसकी जो मेडिसिन है उनको भी आप लेना शुरू कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझसे पूछा है फातिमा बेगम, इनकी एज 22 है, TSH 9.9 है, क्या मेडिसिन लूँ? तो अगर आपकी अगर आपका TSH जो है वो 9.9 है और आपकी एज भी 22 है, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी एज होती है ना, जो यंग एज होती है उसमें लोग क्या सोचते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी डाइजेस्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, आप इतना अनडाइजेस्टेड और इतना हैवी फूड खाते हैं रेगुलर बेसिस पे कि आपका जो लीवर होता है वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं भी होगा तो भी आपका लीवर, ये समझ लीजिए कि कई बार आपका लीवर जो होता है वो स्लगिश हो जाता है, बहुत टॉक्सिनेटेड हो जाता है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट में इतने टॉक्सिन्स हैं, ऊपर से आप खाना भी जो है बाहर का इस तरह का खाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है थायराइड में। तो अगर आप, क्योंकि ये माइल्ड हाइपोथायराइड है, 10 से जितने भी बिलो हैं वो सब माइल्ड हाइपोथायराइड है, सबसे पहले आप इसमें नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, एक अच्छा मल्टीविटामिन जो है वो आप ज़रूर लीजिए अच्छी कंपनी का, और दूसरा आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई जो है वो डेली बेसिस पे कीजिए। अगर आप ये 3-4 काम भी करना शुरू करते हैं तो, और चेक करवाइए फिर बीच में, आपका थायराइड लेवल जो है 9.9 से कुछ कम आ जाता है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मुझसे पूछा है रिंकू मेहता, 15 साल से टैबलेट ले रही हूँ और 150 mcg लेती हूँ, अब कैसे छोड़ूँ, हेल्दी फूड भी लेती हूँ। तो इनका जो है ये 150 mcg की जो टैबलेट ये ले रही हैं 15 साल से, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके साथ साथ कोई भी एक्टिविटी में, जो मैं बेस्ट समझती हूँ वो हमेशा योगा के बारे में ही बात करती हूँ, मैं कभी जिमिंग के बारे में बात नहीं करती, क्योंकि योगा जो होता है वो हमारा नेचुरल है कि हम अपने हाथ पैरों से ही योगा करते हैं, और उसमें जो भुजंग आसन होता है वो आपके गले को स्ट्रेच करता है, उसके अंदर प्राणायाम भी होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जिम में क्या होता है, जिम में आप मशीनों के साथ वर्कआउट करते हैं, वो आपको लॉन्ग टाइम में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। दूसरी बात, उसके अंदर ना कोई प्राणायाम होते हैं, ना इस तरह के कोई आसनाज होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप हेल्दी फूड लेती हैं तो आप धीरे धीरे करके आप योगा जो है वो भी आप ज्वाइन कीजिए, कहीं अच्छी जगह पे पेड योगा ज्वाइन कीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आप देखेंगे आपका शरीर जो है, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हेल्दी फूड लेती हैं तो इसके साथ आप ये सब शुरू कीजिए, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। फिर पूछा है अमृता तोमर, 2014 में TSH 102 था इनका, बाय नेचुरल ट्रीटमेंट इट रिड्यूस 12 और आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन थायरोनोम। देखिए मैं आपको एक बार बताती हूँ, तो इन्होंने पूछा है शुड आई स्टॉप मेडिसिन एंड गो फॉर नेचुरल ट्रीटमेंट और शुड आई रिड्यूस द डोज। देखिए आप कह रही हैं कि आप इतने थायरोनोम ले रही हैं और इससे आपका जो TSH है वो 12 आ गया है, लेकिन आप कहते हैं कि आप नेचुरली ट्रीटमेंट भी कर रही हैं, तो पता नहीं आपको नेचुरली ट्रीट करने से आपका जो TSH है वो रिड्यूस हुआ, या फिर आप जो ये टेबलेट ले रही हैं इसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस हुआ है। ये तो आपको तभी पता चलेगा, ये TSH रिड्यूस हुआ है तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये मेडिसिन छोड़ दोगे, लेकिन इसको कभी भी एक साथ एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए मेडिसिन। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये एक लेवल होता है, जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी वैसे वैसे आपका डोज रिड्यूस होगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। एक अच्छी एक्टिविटी, डिटॉक्सिफिकेशन, एक अच्छी मल्टीविटामिन और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, ये जैसे जैसे इंप्रूव होगा आपका जो TSH लेवल है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू होगा, और जैसे TSH लेवल रिड्यूस होगा तब आप जो है अपने डोजेस को धीरे धीरे करके रिड्यूस कीजिए, एकदम से मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने एक बहुत, सबसे पहले जो मैंने थायराइड के ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने यही बताया था कि मैंने थायराइड की टैबलेट जो है वो डस्टबिन में फेंक दी थी, ये गलती मैंने की थी, ये आप कभी मत करना।
उसके बाद जैसे जैसे मैं इस चीज़ पे रिसर्च करती गई, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और आप लोगों की उससे बहुत हेल्प भी हुई, जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। फिर लिखा है डिम्पल तिवारी, 25 mg टेबलेट अब नहीं खा रही हूँ और हेयर फॉल जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। 25 mg की आप टेबलेट खा रहे हैं, आपका TSH तो पता नहीं मुझे कितना है, लेकिन यह है कि हाँ आप अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगी है तो आप एक अच्छी मल्टीविटामिन लीजिए और आप हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर भोसले, डायबिटीज़ एंड TSH इज 16, हाउ आई ट्रीट माई थायराइड और डॉक्टर सजेस्ट मी 25 mg, क्या करूँ। देखिए आपको डायबिटीज़ भी है और आपका जो है TSH भी आपका 16 है, तो मैं आपको जो एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप कम से कम 15 दिन तक आप एक ऐसी डाइट फॉलो कीजिए जो ग्लूटेन फ्री हो और डेयरी फ्री हो, ये दोनों चीज़ें आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसमें आप मॉर्निंग में कोई भी एक फ्रूट लीजिए, और जैसे कि आप जानते हैं कि क्योंकि आपको डायबिटीज़ है तो वैसे मेरे हिसाब से तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप डायबिटीज के हैं तो आप ये फ्रूट नहीं ले सकते। मॉर्निंग में सबसे पहले आप फ्रूट लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान रखिए, और जो उसके बाद आपको ग्रीन जो है, मतलब आजकल जैसे समर्स हैं तो आजकल लौकी और खीरा और तोरी, ककड़ी और ये आपका करेला वगैरह, ये और कच्ची हल्दी, ये सारी चीज़ें जो इनका जूस जो है वो आपको एक टाइम ज़रूर लेना चाहिए, और इन सब चीज़ों के साथ जो है आपका डायबिटीज़ के साथ साथ आपका TSH भी रिड्यूस होने लगेगा। एकदम से आप मत खाइए जो ये इन्होंने बोला है आपका TSH 16 है, पहले आप इसको नेचुरली ट्रीट करने की एक बार कोशिश कीजिए 15 दिनों तक, 15 दिन के अंदर आप देखिए क्या रिजल्ट आते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार टेबलेट स्टार्ट कर दी तो वो आपका TSH तो नॉर्मल ले आएगा, लेकिन जैसे ही आप टैबलेट छोड़ेंगे फिर से वो उसी तरह पहुंच जाएगा और आगे भी जा सकता है। फिर लिखा है सीमा स्मितेश, रोल्ड ओट्स और नॉर्मल ओट्स। देखिए जो जो इंस्टेंट ओट्स आते हैं, जैसे ये आपका आता है क्विकर ओट्स वगैरह जो आते हैं, ये जो ओट्स होते हैं ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा इनमें फाइबर नहीं होता, जैसे कहा जाता है जो ओट्स होते हैं वो फाइबर में और प्रोटीन में काफ़ी रिच होते हैं, तो जो रोल्ड ओट्स होते हैं और एक ग्लूटेन फ्री ओट्स भी होते हैं, तो अगर आप रोल्ड ओट्स आपको अवेलेबल हैं तो आप उनको ही यूज़ कीजिए, चाहे स्मूदी में, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करके, चाहे स्मूदी में आप यूज़ कीजिए, चाहे आप उसका जो है पोरेज बना के खा सकते हैं, चाहे आप उसको वेजिटेबल के साथ एक वो पोहा भी बना के खा सकते हैं उसका, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जो इंस्टेंट और क्विकर ओट्स होते हैं जो ये इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करते हैं, रोल्ड ओट्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और अगर आपको ना मिले तब आप क्विकर ओट्स पे जाइए तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए, बजाय इसके कि आप पराठे वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएं, क्योंकि ये आपके शरीर को लेथार्जिक तो करेगा ही। फिर पूछा है सनम खान, हाउ कैन आई प्लान प्रेगनेंसी विद हाई TSH। अगर आपका TSH हाई है और आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप सीधे किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपके टेस्ट जो करवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, कोई टैबलेट नहीं छोड़नी है किसी के भी कहने से, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, आपको सिर्फ अपने जो गायनोकोलॉजिस्ट है बिल्कुल उसी को आपको फॉलो करना है, क्योंकि इस समय पे जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार क्या होता है हॉर्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो क्योंकि आपके वो कई सारे टेस्ट कराते हैं, आपका जो पूरा रिपोर्ट होता है वो उन्हीं को पता होता है, उन्हीं के पास होता है, तो जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, आप बिल्कुल गायनोकोलॉजिस्ट को ही फॉलो कीजिए, इसमें आप किसी से कुछ भी मत पूछिए, एक अच्छे किसी गायनोकोलॉजिस्ट को देखिए। फिर पूछा है नीलम पटेल, कभी बोलते हो मेडिसिन लेनी चाहिए, कभी बोलते हो कि नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कई बार ऐसी बातें करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो थायरॉक्स, मैं किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर्स होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपके पास कोई थायराइड पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उसके सिर्फ T3, T4 और TSH हार्मोन देखकर आप उनको मेडिसिन मत दीजिए, आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए उनके ऊपर, आप प्रॉपर उनका टेस्ट कराइए। जैसे फंक्शनल डॉक्टर्स होते हैं वो RT3 टेस्ट कराते हैं, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराते हैं, इस तरह के टेस्ट आप पहले कराइए, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन दीजिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो इस तरह की जो बातें होती हैं तभी मैं बोलती हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए किया था कि जो उसमें मैंने आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताई थी, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, बहुत फायदेमंद है। ये है थायरोडिनियम 30,
3x और कार्बोनिका थायरिडिनियम 30 एंड कार्बोनिका 3x। ये जो वीडियो है थायराइड की सबसे असरदार दवा है ये, उसमें आप देखिए उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन दोनों मेडिसिन का नाम जो है प्रॉपर मेंशन किया हुआ है और उसको कैसे लेना है वो भी मैंने उसी वीडियो में बताया है। अगर आप होम्योपैथिक को स्विच करना चाहते हैं तो उस मेडिसिन को आप देखिए, उस वीडियो को आप देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं तभी ये बोलती हूँ कि मेडिसिन खानी चाहिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक की लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही एलोपैथिक पे जाइए। तो मेडिसिन खानी है बोलते हो और नहीं खाने है ऐसा बोलते हो, तो ये बात यही है, आप थोड़ा सा समझिए पहले इस चीज़ को। फिर मुझसे पूछा है सलमा खान, क्या मैं टैबलेट लेने के बाद जूस ले सकती हूँ? बिल्कुल, लेकिन अब जब भी आप टैबलेट लेते हो किसी भी चीज़ की टैबलेट, कम से कम आपको 20 मिनट या आधा घंटे का जो है थोड़ा सा गैप जरूर रखना चाहिए। फिर राजेंद्र मिश्रा, शुरू से आपके वीडियो देखती जा रही हूँ, आपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया, वेल डन। मैं बताती हूँ, पहले मैं भी आप लोगों की तरह ही अननोन थी बिल्कुल, लेकिन जब मैंने ये देखा कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है ऐसे डॉक्टर्स की और ऐसे लोगों की जो सुबह सुबह एक टेबलेट खा लेते हैं, तो जब मुझे पता चला कि टेबलेट खाना कोई ये ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो फिर एक्चुअली ट्रीटमेंट है क्या? इसके ऊपर बहुत कई सालों की रिसर्च है और जिसके जैसे जैसे मैं आप लोगों के साथ ये अपनी रिसर्च शेयर करती हूँ, छोटे छोटे वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ थायराइड के ऊपर, आप देखिए उसका एक वीडियो मैं आपको बताती हूँ, TSH इज हाई मीन्स, ये मेरा वीडियो है, आप ये जरूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा वीडियो है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है कि मैं आप लोगों की हेल्प भी करना चाहती हूँ, कर भी रही हूँ और अपनी तो मैंने खैर की ही है। तो यही मेरा एक मोटो रहता है कि क्यों मैं लोगों को इस तरह से भटकाने की कोशिश करूं कि आप बस जिंदगी भर दवाइयां ही खाइए जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर मुझसे पूछा है मुतीजा, मिलाई मिलाई मुतीजा कोई है, इन्होंने पूछा कोई बता दे कि हाई TSH में प्रेगनेंसी हो सकती है। बिल्कुल, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए, जो टेस्ट वो करवाते हैं उनको ही आप देखिए एक बार, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर साकेत पंडित, मधुलिका जी की बातों में मत आना, खुद तो दवाई खाती हैं और यूट्यूबर बन के पैसा कमाती हैं। वाह, देखिए साकेत पंडित जी, पहली बात तो मुझे वो क्लिप दिखा दीजिए आपने जहाँ मुझे आपने दवाइयाँ खाते हुए देखा है थायराइड की, मतलब मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि आप किसी भी यूट्यूबर को आप देखते हैं वीडियो में तो क्या आप उनके घर जा सकते हैं देखने के लिए, जा सकते हैं कि दवाई लेती है कि नहीं लेती है? मैं अगर दवाइयाँ लेती होती तो मैं आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं देती होती कि आप क्या कीजिए, कौन से टेस्ट करवाइए, क्या चीज़ें जरूरी हैं थायराइड के, आपका थायराइड नॉर्मल लाने के लिए। और इस तरह की जो आप कमेंट्स करते हैं ना, तो मैं सच में आप लोगों को ब्लेस करती हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मैं कभी ऐसे लोगों को कभी नफरत नहीं करती हूँ ना, मैं ऐसे कभी उल्टी सीधी बातें ऐसे लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं क्यों आप लोग ऐसी बातें करते हैं और मेरे को इससे कोई नुकसान नहीं है अगर आप ऐसा बोलते हैं, तो जो और जो व्यूअर्स हैं, जो और लोग विश्वास करते हैं मेरे ऊपर और उनको फायदा भी होता है, कहीं ना कहीं उनको ये चीजें हार्म करती हैं। तो कभी भी ऐसे कमेंट्स लिखने से पहले आप थोड़ा सोचिए। और यूट्यूबर बन के पैसे कमाती हैं, तो आप देखिए कोई भी आप काम करेंगे, किसी भी तरह का आप काम करेंगे, तो अगर आपको दो पैसे उससे मिलते भी हैं या जो जितना भी आपको मिलता है, तो ये आपका मेहनताना होता है और ये आपसे नहीं लेती हूँ मैं, किसी भी जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, जो जो मेरे वीडियोस देखते हैं व्यूवर्स हैं, क्या आप लोग पैसा देते हैं? नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है। और मैं तो बल्कि यहाँ तक भी बोलूंगी कि आप में से बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो हाउसवाइफ हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, मैं जानती हूँ जितनी भी हाउसवाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, आपके अंदर भी अगर कोई टैलेंट है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा सुविधा मिलेगी, आप बिल्कुल बेशक से बिंदास आप इसके ऊपर वीडियोस बनाइए और अपना जो ज्ञान है, जो आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, आप उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर जरूर शेयर कीजिए और आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे जो जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं उनको आप इग्नोर ही करें तो अच्छा है। फिर लिखा है श्वेता वर्मा, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट सनफ्लावर सीड्स न्यूट्रिएंट वैल्यू? बिल्कुल, मैं सनफ्लावर सीड के ऊपर वैल्यू, सनफ्लावर सीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सिलेनियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है और सिलेनियम जो होता है हमारे थायराइड में, अगर सिलेनियम की डिफिशियंसी होती है तो हाशिमोटो थायराइडिटिस होने की प्रॉब्लम जो कंडीशन होती है काफ़ी हद तक हो जाती है। कई जो फंक्शनल डॉक्टर्स हैं जैसे जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उनकी रिसर्च, उनकी जो साइंटिस्ट है उनकी रिसर्च आप देखिए यूट्यूब पर है, सॉरी गूगल पर है, और selenium.com करके एक है जो साइंटिस्ट है बहुत बड़े, उन्होंने पूरा इसके ऊपर पूरी लाइफ स्पेंड की है कि इतना मैजिकल न्यूट्रिएंट है सिलेनियम, इसको अगर आप किसी भी फॉर्म में लेते हैं
वैसे जो ब्राजीलियन नट होते हैं उनमें सिलेनियम सबसे ज़्यादा हाई होता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और थायराइड के पेशेंट हैं और अगर उनको पता है कि हमें हाशिमोटो थायराइडिटिस है, तो वो सिलेनियम रिच फूड में आपका ब्राजीलियन नट्स, दो नट्स आप डेली लीजिए, ये बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन सनफ्लावर सीड जो होते हैं वो सिलेनियम में काफ़ी रिच होते हैं, इसलिए सनफ्लावर सीड थायराइड में काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर योगेश योगी, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश देन एवरी वन इन द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल, मैं सोचती हूँ, कई बार मैं हिंदी में ही वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाऊँ, ताकि जो और भी कई कई लोग ऐसे कमेंट्स लिखते हैं। फिर रूबी भारद्वाज, होम्योपैथिक मेडिसिन नेम फॉर हाशिमोटो थायराइडिटिस। होम्योपैथिक की मेडिसिन किसी भी तरह का अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो ये याद रखिए, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, वो कभी भी हमेशा सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, हमेशा। कभी आपको इस तरह से काम नहीं करेगी कि आपको थायराइड है तो आपके लिए थायराइड में जैसे थायरेनोम है, थायरोक्सिन है, इस तरह की टेबलेट्स जो होती है स्पेसिफिक होती हैं एलोपैथिक के अंदर। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर जो मेडिसिन होती हैं वो सारी मेडिसिन आपके जो होती हैं आपके सिम्टम्स पे काम करती हैं, बीमारी पे काम नहीं करती हैं। तो जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि थायराइड की सबसे असरदार दवा है ये, आप वो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन है, उसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है उसको कैसे लेना है, और अगर आप मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हो तो उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है। फिर मुझसे पूछा है आसमा पठान, थैंक्स अ लॉट मैम, आपने तो दिमाग ही खोल दिया। बिल्कुल जी, ये सही बात है, अगर आपने मेरी इस तरह तारीफ की है तो थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आप लोग मुझे लिखते हैं, उन कमेंट्स को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं उसी का मैं आपको आंसर दूँ। वरना जितना भी आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू प्यार देते हैं, जितना भी आप मुझे थैंक यू बोलते हैं, और बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी जो मुझे लिखते हैं, उन सब के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो हैंडल है इंस्टाग्राम, वो है मधुलिका कश्यप, आप उस पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने ही सोचा है कि मैं उसके अंदर जो चीज़ें मैं खाती हूँ डेली में, उनका जो पिक है वो मैं उसके ऊपर अपलोड करूँ, या फिर कोई भी फूड जो मैं सुपर फूड वगैरह लेती हूँ वो भी मैं उसके अंदर डालूँ, उसके लिंक्स वगैरह या फिर उसके फोटोज़ वगैरह, तो उसके ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है, बहुत लेंथी वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको थम्स अप कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मधुलिका कश्यप को। थैंक यू सो मच।